मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं, मात्र एक घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक दरभंगा। विश्वविद्यालय थाना के बेला से DMCH इलाज के लिए आ रहे व्यक्ति टेम्पू से गिरा, दुर्घटना होकर पहुंचा DMCH। दरभंगा के धोई घाट में सामान लेने गए युवक ने दुकानदार को बेल्ट से मारा, सिर पर गहरी चोट, DMCH में भर्ती। समस्तीपुर के कल्याणपुर में 3 को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 DMCH में, 1 समस्तीपुर में भर्ती। केवटी थाना की पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे कृष्ण कुमार यादव को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सोलह अप्रैल को जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हनुमान नगर प्रखंड के माधोपुर हाट में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में लेंगे भाग। मंत्री मदन सहनी, जिलाधिकारी राजीव रोशन ने समाज कल्याण द्वारा नव चयनित LS को दिया नियोजन पत्र। उन्नीस अप्रैल बुधवार को मॉडल कैरियर सेंटर में किया जाएगा जॉब कैंप का आयोजन। दरभंगा के RB मेमोरियल हॉस्पिटल में संतान प्राप्ति करने हेतु दी गई सलाह, निसंतान दंपतियों ने उठाया लाभ। बिहार दौरे के क्रम में पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी दरभंगा, प्रेस वार्ता कर दी कई बातों की जानकारी। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत निकाली गई अग्निशमन कार्यालय से प्रभात फेरी। दरभंगा के ऑडिटोरियम में आज संविधान बचाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ नारे के साथ कार्यक्रम महागठबंधन का। दरभंगा के वरीय चिकित्सक डॉक्टर जगदेव शर्मा की पत्नी का निधन, पूरे दरभंगा में शोक की लहर। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना के बेला निवासी एक शिक्षक जब टेम्पू से होते हुए वो DMCH अपने किडनी का इलाज कराने आ रहा था, इसी समय में टेम्पू अचानक जर्किंग की वजह से टेम्पू से गिर गया, वो जख्मी हो गया, DMCH में भर्ती है, जहां उसके पैर और हाथ में गंभीर चोट लगे हैं। टेम्पू से आ रहे थे ना यहीं DMCH, तो भीड़ था टेम्पू में, जर्किंग मारा ना, गिर गए सीधा टेम्पू से। हाँ, फेंका गए। कहाँ पर? आपको बेला मोड़ के पास। तो क्या हो गया? जैसे जो गिरे ना इसमें चोट लगा, क्या छिला उड़ा गया पूरा। कहाँ आए थे इलाज कराने के लिए? कहाँ पे है? DMCH हो गया। दरभंगा के धोई घाट में एक दुकान चलाने वाले व्यक्ति के पास एक युवक आया, उसने सामान की मांग की, इसके अलावा जब कहा कि पिछले पैसा दो, इसके बाद तुरंत उस युवक ने बेल्ट खोलकर दुकानदार के सिर पर मारा, जिसे गहरी चोट हो गई और दरभंगा DMCH में भर्ती है, इलाज चल रहा है।
दुकान हम किए हुए हैं और दुकान पर मांगा सिगरेट, हम सिगरेट नहीं दिए और हमारे साथ चॉकलेट मांगा, चॉकलेट इनाम में से निकालने लगे। वो लड़का हमसे बयान दैन कर लिया, बेल्ट से निकाल कर के हमको मारा। समस्तीपुर के कल्याणपुर चौबटिया के पास एक व्यक्ति जब अपने घर से दुकान जा रहा था तो उस वक्त एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उसके साथ तीन व्यक्ति थे, दो घायल हैं जिनका डीएमसीएच में इलाज चल रहा है जबकि एक घायल समस्तीपुर अस्पताल में भर्ती है। कहा जाता है कि ट्रक टक्कर मारने के बाद वहाँ से फरार हो गया और पुलिस उसको ढूंढ रही है। घर से दुकान खोलने में जा रहे थे, घर से आए ना चाबी लेकर के, तो ट्रक वाला मार दिया सर। क्या चीज से जा रहे थे आप? पैदल जा रहे थे, खाते खाते ट्रक वाला पकड़ाया? नहीं पकड़ाया। क्या चाहते हैं? तीन जगह मारा रास्ता, रास्ता में तीन जगह मारा है, वो समस्तीपुर में। केवटी थाना की पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम सरजापुर बिशनपुर में शराब पीकर हंगामा कर रहे कृष्ण कुमार यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पुलिस ने कृष्ण कुमार यादव को थाने लाकर जब स्वास्थ्य परीक्षण किया जिसमें कृष्ण कुमार यादव की नशे में होने की पुष्टि की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। माननीय मंत्री जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार श्री संजय कुमार झा अपने निर्धारित परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान 16 अप्रैल को जिले के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत माधोपुर हाट में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही अपराह्न 5:30 पर दरभंगा शहर के उर्दू बाजार में आयोजित इफ्तार पार्टी में भी शामिल होंगे। वहीं तत्पश्चात माननीय मंत्री महोदय 6:30 पर लहरियासराय ऑडिटोरियम में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में शनिवार को नव नियोजित महिला पर्व वेक्षिकाओं को माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार श्री मदन सहनी एवं जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन के कर कमलों से नियोजन पत्र दिया गया। उक्त अवसर पर कार्यक्रम में कुल 40 चयनित महिला पर्यवेक्षिकाओं में से 38 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इन सभी 38 अभ्यर्थियों के बीच नियोजन पत्र वितरित किया गया। नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर दरभंगा के माध्यम से अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर दरभंगा में गिन्नी फिलामेंट्स लिमिटेड द्वारा 19 अप्रैल बुधवार को 10 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है। उन्होंने कहा कि नियोजक द्वारा कुल 50 रिक्तियों पर साक्षात्कार के बाद पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी। पंद्रह अप्रैल को दरभंगा के आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में विंग्स आईवीएफ इंडोस्कोपी हॉस्पिटल के चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर स्मृति स्पर्श से अनेक निसंतान दंपतियों ने अपने स्वयं के स्त्री बीज से व पुरुष बीज से संतान सुख की प्राप्ति करने हेतु सलाह ली। उल्लेखनीय है कि निसंतान दंपति के लिए संतान सुख प्राप्ति हेतु विंग्स आईवीएफ इंडोस्कोपी हॉस्पिटल दानापुर देश का अग्रणी हॉस्पिटल है। दरभंगा शहर के NH 57 स्थित बद्रीनगर में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर बद्री पूर्वे के आवास पर पूर्व मंत्री सह VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने शनिवार को कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल तक मुझे बहुत कम लोग जानते थे लेकिन आज पूरा देश मुझे जानता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के तहत ही पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वी के बारे में उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी को 3 सीटें मिली थी जिसमें मधुबनी से बद्री पूर्वी को चुनाव में BJP का टिकट दिया गया था।
सारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारी के साथ हम लोग यहाँ इनका स्वागत किया है और फिर इसके बाद इनका आगे का कार्यक्रम तय होगा और आगे की ओर ये बनेंगे और उम्मीद है कि भविष्य में आने वाले भविष्य में हमारी पार्टी VIP इसके प्रमुख नेता श्री मुकेश सहनी जी हैं, उनको निश्चित रूप से पूरे बिहार में दौरा चल रही है। कल कैमूर में ताज दरभंगा होते हुए सहरसा जाना है, पार्टी पदाधिकारी सबसे मिलना है, जुलना है, पार्टी कैसे मजबूत हो इसके लिए पूरे बिहार में लगातार निरंतर दौरा चालू ही है। तो इसी क्रम में आना जाना होता है, पार्टी के बड़े पदाधिकारी संगठन के लोगों से मिलना जुलना होता है। आप जानते हैं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ चुका है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अग्निशमन कार्यालय की ओर से 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी से अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत शनिवार को प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी राज परिसर में स्थित अग्निशमन कार्यालय से निकाली गई। अग्निशमन कार्यालय से प्रभात फेरी को सबसे पहले दरभंगा स्टेशन होते हुए शास्त्री चौक, मिर्जापुर चौक, आयकर चौक, राजकुमारगंज होते हुए वापस से अग्निशमन कार्यालय लाया गया, निकाला गया। जो हमारे यहाँ मतलब ये संस्थान से जो है दरभंगा स्टेशन होते हुए यूनिवर्सिटी दरभंगा स्टेशन होते हुए नाका नंबर 5 के अप्रॉक्स निकलते हुए हम लोग इसका अभियान जगाते हुए लोगों को इस थ्रू हम लोग प्रेरित किए लोगों को जो कभी भी आग लगे तो 5-8 को कॉल करे और 5-8 उनकी सेवा करे। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग इस बात को मद्देनजर से नहीं देखते, लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए। और अभी जिस तरीके का मानसून महीना या मानसून मौसम चल रहा है, ऐसे कंडीशंस में हर किसान को, हर नागरिक को इसके बारे में समझना चाहिए। जो अगर कोई भी हमें तकलीफ हो या कहीं भी आग लगे की घटना हो तो सबसे पहले हमें 5-8 को फ़ोन करना चाहिए ताकि जो है वो आके। दरभंगा के ऑडिटोरियम में आज महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की आज बड़ा कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें माले के विधायक महबूब अली ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार पूरी तरह मोदी को हटाना है, क्योंकि देश को बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और मोदी को हटाना है, क्योंकि इन लोगों का देश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं रहा, बल्कि इन लोगों ने तो गांधी के हत्यारों का साथ दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है और इतिहास मिटाने की जो साजिश कर रहा है, ये साजिश नाकाम होगी। देश एकजुट हो रहा आहिस्ता आहिस्ता और इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाए। अभी मौलाना आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान है नहीं, इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं। इनके जो नायक है वो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे। तो जो कि नायक है, गांधी नायक है, गांधी की हत्या किसने की, लोग सवाल पूछेंगे, तो इन्हीं के लोग थे। दरभंगा के वरीय अनुभवी और DMCH के पहले पैथोलॉजी विभाग के HOD डॉक्टर जगदेव शर्मा की पत्नी शकुंतला शर्मा का आज सुबह निधन हो गया। गौरतलब है कि वो एक माह से गंभीर रूप से बीमार चल रही थी। इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे दरभंगा के डॉक्टरों ने उनके आवास पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दरभंगा में डॉक्टर जगदेव शर्मा का नाम एक पूरे अनुभवी चिकित्सक के रूप में लिया जाता है। शर्मा डायग्नोस्टिक के रूप में दरभंगा के बलभद्रपुर में इनका वर्षों से अवस्थित है पैथोलॉजिकल क्लिनिक। इसके अलावा इनके 3 पुत्र और पुत्रवधी के साथ पूरा भरा पूरा परिवार है। आज पूरे मोहल्ले के साथ दरभंगा के डॉक्टर, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद ने आकर श्रद्धांजलि अर्पित की। काल उसका एक कैलकुलेशन होता है,
और कैलकुलेशन होने में जितना टाइम लगता है, जब तक पूरा कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा वहाँ से फाइनल वारंट नहीं आएगा। अब फाइनल वारंट नहीं आएगा तो प्रकाश, एक प्रकाश होता है, प्राण कुछ नहीं है, एक प्रकाश है तो प्रकाश निकल जाएगा। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं, मात्र एक घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक दरभंगा।